भीख मांगने से बचना है, अपनी ताकत इतनी बनानी है कि दूसरे को हम कुछ दें, हम भीख मत मांगे। भीख मांगने की मेंटेलिटी से बिहार को निकालना है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का फाइनल जवाब आ गया है। बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। नीति आयोग के विरोध के बाद अब सांसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित जवाब में साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जेडीयू और नीतीश कुमार के सालों पुराने विशेष राज्य के दर्जे की मांग के खारिज होने के बाद बिहार में सियासी पारा उबाल पर दिख रहा है। नीति आयोग के बाद विरोध और अब सरकार के जवाब के बाद नीतीश कुमार राजनीति को अपने इस ट्रंप कार्ड को बचाने की जुगत में दिख रहे हैं, तो विपक्ष नीतीश कुमार के दावों और वायदों पर सवाल खड़ा कर रही है। खुद लालू प्रसाद यादव ने मांग के खारिज किए जाने के बाद नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग कर दी है, तो अब नीतीश कुमार के पुराने साथी और अब भाजपा के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की जबरदस्त कुटाई कर दी है। हाजीपुर में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे आरसीपी सिंह ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को गरा हुआ मुर्दा बताया और कहा कि नीतीश कुमार बजाय बिहार के लोगों के लिए काम करने के गरा मुर्दा उखाड़ने में लगे हुए हैं। आरसीपी सिंह ने बताया कि बिहार संसाधनों से पूर्ण है, फिर भी बिहारियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय देश में सबसे कम है। नीतीश कुमार बिहार के लोगों की आय बढ़ाने वाले काम करने की बजाय नीतीश विशेष राज्य की दर्जे की भीख मांग रहे हैं। नीतीश कुमार संसाधनों की कमी का हवाला देकर विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आरसीपी सिंह जदयू और नीतीश के उन दावों को ही खारिज करते दिखे और साफ साफ कहा कि बिहार में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। नीतीश कुमार ने लंबे समय से बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को अपना अहम राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। ऐसे में इन मुद्दों के फाइनली खारिज होने की खबर ने नीतीश कुमार के विरोधियों को नीतीश को घेरने का बड़ा बहाना बना लिया है। हैरत की यह भी बात दिख रही है कि बीजेपी बजाय समझाने बुझाने की रणनीति के इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से सीधे दो दो हाथ करने के मूड में दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि बदले हालात में राजनीति के अपने ट्रंप कार्ड के हाथ से जाते देख नीतीश कुमार क्या रुख लेंगे। सत्ता का केंद्र तो हम लोग पीछे रहेंगे, हम लोगों को भीख मांगने से बचना है, अपनी ताकत इतनी बनानी है कि दूसरे को हम कुछ दें, हम भीख मत मांगे। भीख मांगने की मेंटेलिटी से बिहार को निकालना है, ये हमारा मुहिम है। हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम कर रखा था, आज भी हम लोग मानसिक रूप से गुलाम है। दिन भर भीख मांगते रहते हैं, ये दे दो वो दे दो, अरे इतना पैदा करो इतना करो, अपने लोग इतनी ताकत दो कि हम मांगेंगे नहीं, हम दूसरे को दे। आप बोल रहे हैं कि संसाधनों के मामले में धनी है, तो संसाधनों के बल पे ही बिहार आगे जा सकता है? बिल्कुल, यही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो होता है ना, आपको मानसिक रूप से समझना चाहिए। यहाँ क्या लोगों को बताया गया कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम लोग पीछे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं। अपने पास मैंने बताया ना कि सबसे मेहनती जो हमारे मानव संसाधन हमारे लोग, सबसे बड़ी पूंजी हमारी है, हमारी जमीन की इतनी उपजाऊ कहाँ की जमीन है जी, इतनी नदियाँ कहाँ, इस तरह की नदियाँ हैं, तो ये इसका सदुपयोग करने की जरूरत है ना। तो सिर्फ ये जिम्मा जो है ना सोचने का, सरकार का कार्य नहीं संभव है। मैंने आपको उदाहरण तो दिया, मैंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, गुजरात का उदाहरण, जितने भी है। लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर तो विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है कि हमारे संसाधन नहीं है। या फिर समझिए जरा, ये कभी चर्चा करते हैं कि कैसे जो है हमारा हाजीपुर में केले की खेती है, इस केले की खेती से कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, उस पर ना चर्चा करने की जरूरत है। विशेष राज्य का दर्जा कोई ऐसे, देखिए विशेष राज्य का दर्जा बहुत चर्चा हो चुकी है, और ये 2000 के पहले सब मिलता उलता भी था।